दोस्तों, आपने अभी जो प्लेन देखा वो मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने विंग और फ्यूजलास और टेल सेक्शन बनाया था। इस पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम मोटर जोड़ेंगे। मोटर जोड़ने के लिए आपको ऐसा एक 3 mm प्लाईवुड यूज़ करके उसका माउंट बनाना पड़ेगा। इसको मैंने ऐसे यहाँ पर रख के मार्किंग कर लिया और वहाँ पर 4 होल्स कर दिए और उसके बाद इसको हम फ्यूजलाज में चिपकाएंगे और मोटर को यहाँ से स्क्रू से जोड़ देंगे। ये असेंबली जब आप ज़मीन पे रखेंगे तो ये एक तरफ झुकेगी। इसके लिए मैंने इसमें एक तार जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने होल करके एक तार डाल दिया। इसकी लेंथ 12 इंचेस है। अब हम ESC जोड़ेंगे। इसके लिए आप ये तीनों वायरें जोड़ दीजिए। यहाँ पर ESC ऐसे रख के यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और 2 होल करके उसको केबल टाई से जोड़ना है। दूसरी बाजू में मैंने पॉप्सिकल स्टिक लगाई है। दूसरी बाजू ये ऐसा दिखेगा। इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू में रिसीवर जोड़ दिया है। यहाँ पर मेरे रिसीवर में 2 एंटीना है। ये दोनों एंटीना एक दूसरे से जब 90 डिग्री में रहेंगे इस तरह से तब इसका रिसेप्शन सबसे अच्छा होता है। इसलिए मैंने ऐसे प्लास्टिक की ट्यूब में डाल के इसे ऐसे 90 डिग्री में लगाया। अब यहाँ से 1 इंच नीचे और यहाँ से 1 इंच यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए और यहाँ से 1 इंच नीचे यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए। हमारे प्लेन की बैटरी यहाँ आगे लगेगी। ये वायर शॉर्ट पड़ सकती है इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंशन दिया है जिसके बीच में मैंने ESC और इस एक्सटेंशन के बीच में मैंने एक कनेक्टर लगाया। इस कनेक्टर को भी मैंने केबल टाई की मदद से यहाँ पर टाइट कर ESC से जो वायर आती है BEC मैंने यहाँ से ऊपर से ऐसे लेके यहाँ पर रिसीवर में चैनल 3 में कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर जो हमने होल किए थे इसमें मैंने ये बाम्बू स्टिक लगाई है। यहाँ पर हम विंग जोड़ टेल सेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर लगाया। इसका जो एलिवेटर है एलिवेटर और रडर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर सर्वो लगाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल हॉर्न लगाना पड़ेगा और कंट्रोल लिंकेज लगानी पड़ेगी। ये हमारा कंट्रोल हॉर्न है। ये मैंने ऐसे पुराने वाला क्रेडिट कार्ड जो था वो यूज़ करके बनाया। आप CD का यूज़ करके भी कंट्रोल हॉर्न बना सकते हैं। इसके डायमेंशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। इसका होल जो है इस हिंज लाइन पर आना चाहिए। यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे कट करके इसके अंदर इसको लगाना है और हॉट ग्लू से चिपकाना है। यहाँ पर मैंने 2 सर्वो हॉट ग्लू से चिपका दिए। अभी कंट्रोल हॉर्न और इसके बीच में हम लिंकेज बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये तार यूज़ किए। इस तार में मैंने ऐसा एक बैंड बनाया है। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस साइड में हमने जैसे तार लगाए वैसे आपको इस साइड में भी लगाना है। सर्वो से रिसीवर तक कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में एक्सटेंशन केबल लगाई है। इसे सर्वो एक्सटेंशन लीड कहते हैं। प्रोपेलर यहाँ पीछे लगाने का एक फायदा है। अगर आप क्रैश करते हैं तो आप प्रोपेलर और मोटर को डैमेज नहीं। सबसे लास्ट में ऐसे इस तरह से एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ यहाँ पर लगा दीजिए
जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी हॉट ग्लू से एक स्ट्रॉ लगा दीजिए। इस प्लेन का सबसे हेवी पार्ट इसकी बैटरी है, इसे हम सही लोकेशन पे लगाएंगे जिससे कि हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही सही कर सके। बैटरी इंस्टॉलेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।